हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। उनका मानना होता है कि जो सब लोग कह रहे हैं वही सही है। न तो उनके मन में कोई प्रश्न आता है और न ही वह उसके उत्तर की तलाश करते हैं। लोगों के लिए RIP का अर्थ होता है मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। लेकिन दोस्तों, RIP का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस, हिंदी में शांति से आराम करो या शांति में आराम करो। यदि मृत व्यक्ति ईसाई समाज से है, जिन समुदायों में मृत व्यक्ति के शव को कब में दफनाया जाता है, उन समुदायों के व्यक्तियों के लिए निधन पर RIP उचित है। लेकिन दोस्तों, हिंदू मानवताओं के अनुसार आत्मा शरीर का त्याग करके चली जाती है। शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब या तो उसके जीवन में हो जाता है या फिर अगले जन्म में होता है, इसलिए उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है। हिंदू मनुष्य के मृत्यु पर RIP लिखना बोलना उचित नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।